वेल हेलो दोस्तों, आपको अभी बहुत गुस्सा आता होगा जब आप मिक्सिंग पे बहुत काम करो फिर भी आपकी मिक्स क्लीन ना सुनाई दे। मतलब कि आपके जो वोकल्स हैं वो क्लीन ना सुनाई दें, कि आपका म्यूज़िक ज़्यादा हो रहा है, आपने लेवलिंग भी ठीक की है, पर फिर भी वोकल्स खुल के नहीं आ रहे। तो इस वीडियो में हम मास्किंग की बात करेंगे कि कैसे मास्किंग की मदद से हम किसी भी अपने एलिमेंट को कट थ्रू करवा सकते हैं मिक्स में। और मास्क करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, तो ऑलमोस्ट जितने हो सकेंगे हम सारे तरीके इस वीडियो में समझेंगे। तो मास्किंग के लिए हमें यूज़ करना है फैब फिल्टर प्रो Q3। आप कोई दूसरा तीसरा प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये फीचर्स अवेलेबल हों। तो सबसे पहला तरीका है एनालाइजिंग का, कि एनालाइज करके हमें मास्किंग करनी है। इसके लिए आपके दोनों ट्रैक्स में, जिन दोनों को आपको कंपेयर करना है, दोनों में प्रो Q3 ओपन होना चाहिए। जैसे कि मेरे वोकल में है और मेरे गिटार में है। अभी मैं देखूँ तो मैं बिखरा बिखरा टुकड़ा टुकड़ा। तो ये दोनों है। अब मुझे अपने वोकल्स जो हैं वो इसमें से कट थ्रू करवाने हैं, कि मुझे साफ सुनाई दे मेरे वोकल्स गिटार के बीच में। तो यहाँ पर एनालाइज़र में जाएंगे। एनालाइज़र में जाने के बाद यहाँ पर हमें अपना जो नाम सिलेक्ट किया हुआ है हमने अपने वोकल का, लीड वोक्स, वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको अपना वोकल दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब ये है कि आपने वोकल्स के ट्रैक में प्रो Q3 प्लगइन नहीं डाला है। तो वहाँ पर इसे ज़रूर डाल दें और अब यहाँ पर जाकर अपना वोकल सिलेक्ट कर लेना है। आप प्ले करेंगे, मैं बिखरा, आपको अपना वोकल दिखाई देगा। बट अब सिलेक्ट करने के बाद आपको पीछे तो वोकल दिखाई दे गया, पर प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ वो क्लैश कर रहा है, ये कैसे पता करें? तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कोलेजन का, जिससे कि हमें पता चलेगा ये दोनों एलिमेंट्स आपस में क्लैश कर रहे हैं। इसे ऑन कर देंगे रेड रेड। फिर इसके बाद जो यहाँ पर चलेगा वोकल, मैं बिखरा बिखरा, तो यहाँ पर आपको एक रेड रेड वेव फॉर्म दिखाई देगी, मैं बिखरा बिखरा। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर गड़बड़ है हमारे वोकल्स में। तो इसे और ज़्यादा प्रिसाइजली देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रीज का बटन दबा देते हैं। मैं बिखरा बिखरा, तो फ्रीज का बटन दबाने के बाद क्या है कि उसके बाद ये दिखता रहेगा कि देखो यहाँ यहाँ गड़बड़ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसे डक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊँ प्रो Q3 के ऊपर पूरा डिटेल्ड, और वो भी शॉर्ट टाइम में, ज़्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ 7-8 मिनट का, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर से एक बहुत डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गड़बड़ है, तो इसे यहाँ पर भी कर देते हैं। नहीं, ये नहीं, हमें बेल चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा डक नहीं करना, कितना हमने ज़्यादा ही कर दिया ये। तो हमने अपना ग्राफ जो है 6 dB पे सेट कर दिया है। तो अब हमें क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के हम प्रिसाइज लिस्ट को लेके जाएंगे, -3 dB तक ही हमें इसे कम करना है। उसके बाद मैं बिखरा बिखरा टुकड़ा टुकड़ा, तेरी यादों से उखड़ा। कुछ फ्रीक्वेंसीज यहाँ भी हैं, मैं बिखरा बिखरा टुकड़ा टुकड़ा। ओके, तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1, कि हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। पर अब हमें क्या करना है, हमें अपने वोकल्स को सिर्फ वहीं प्लेस करना है जहां वो आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से साइड चेनिंग की मदद लेनी है, कि जब जब वोकल्स आए तब ही डक करे, ऐसे वो गिटार को वैसे ही छोड़ दे, उसकी फ्रिक्वेंसीज को हिट ना करे। अभी क्या कर रहा है ये, कि जब वोकल्स आ रहे हैं तब तो डिप कर ही रहा है, पर ये वैसे भी कर ही रहा है। मतलब वो फ्रिक्वेंसीज इंस्ट्रूमेंट में से पूरी ही रिमूव हो गई, यहाँ पर -6 dB तक डक हो गई हैं, कट कर दिया है हमने। तो हमें क्या करना है, जब वोकल्स आएँ सिर्फ तभी ही कट हों, हम ये चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि साइड चेन हमने करवा रखा है, यहाँ पर जाएंगे गिटार में, प्रो Q3 ओपन करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर एडवांस टूल्स में, उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग में, और यहाँ पर हमें अपना साइड चेन ट्रैक सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक, अब हमें दिखाएगा कि हमने कितने ट्रैक साइड चेन करवा रखे हैं। हमें अपना वोकल करवाना है इससे लिंक, तो वोकल पर क्लिक कर दिया, हमारा काम हो गया है, इसे कर दो बंद। ओके, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। अब हम अपना एनालाइज़र तो ऑन किया ही हुआ है हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं फ्रीज के मोड पर प्ले करता हूँ ताकि मुझे दिखती रहे फ्रीक्वेंसी। कैसे शामें आएंगी, कैसे रातें। अगर आपको इस सॉन्ग पर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट स्टडी चाहिए तो वो भी बता देना। काफ़ी टाइम पहले सॉन्ग आया था, बहुत अच्छा लगा सबको, बहुत लोग प्रोजेक्ट स्टडी मांग रहे थे। तो आप कमेंट्स में बताना कि प्रोजेक्ट स्टडी चाहिए कि नहीं, मैं प्रोजेक्ट स्टडी ज़रूर लाऊंगा अगर ज़्यादा लोगों ने डिमांड किया तो। ठीक है, यहाँ पर हमें निशान दिखता है, हम क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे। अगर आप मैक में हैं तो ऑप्शन दबा सकते हैं, यहाँ पर विंडोज़ में हैं तो आप ऑल्ट दबा सकते हैं। ऑल्ट दबाने के बाद बैंड पर क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर देंगे,
और इसको हम इसके क्यू को हम करेंगे ऐसे नैरो और इसको थोड़ा सा हम -3 dB तक कर देंगे ओके। और यहाँ पर भी है तो अब हमने इनको डक कर दिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे हम ऑटो पर, देखो यहाँ पर ऑटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ क्लिक करना है एक्सटर्नल बटन पर कि ये अब हमारी साइड चेन को रीड करेगा। यहाँ से हम थ्रेशोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, अभी हमको पता नहीं है कि वो कल कहाँ तक जा रहे हैं तो अभी नहीं करेंगे। दोनों पर हम यही करते हैं, जाके ऑटो को हटाएंगे, उसके यहाँ पर एक्सटर्नल का बटन क्लिक करेंगे, अभी सिर्फ हमारी साइड चेन को रीड करेगा। तो अब हम अपने वोकल्स को आने देते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ हमारे वोकल्स को ही रीड करेगा, जब जब वोकल्स आएंगे तब तब डक करेगा। मैं बिखरा बिखरा टुकड़ा टुकड़ा तेरी यादों से उखड़ा उखड़ा। तो ये तब तब हमारी फ्रीक्वेंसी को कट कर रहा है, पर अभी क्या हो रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा कट हो रही है। जैसे कि अब हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे शामें आएंगी, कैसे रातें गुजरेंगी, ना होश है मुझको अब, कैसे यादें संभलेंगी। ओके, अब हमारा जो डायनेमिक ईक्यू है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी मास्किंग बहुत अच्छे से हो रही है। ये था सेकंड मेथड। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड का कि अब हम मास्किंग करवाएंगे ईक्यू मैच की मदद से। तो अब हम जाएंगे अपने एनालाइजर पर, करेंगे ईक्यू मैच पर क्लिक, यहाँ पर अपना रेफरेंस ट्रैक सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल लीड वॉक्स। ओके ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं दबाना है, अब हमको क्या करना है, अपना सिर्फ ट्रैक प्ले करना है, अपने दोनों ट्रैक्स हमारे ऑन होने चाहिए और प्ले करना है। कैसे शामें आएंगी, और अब हमें क्लिक करना है मैच पर। ओके, अब हम अपना क्वांटिटी बढ़ाया घटा सकते हैं, कितना हमें ईक्यू मैच करना है। ओके, हमने कर दिया है फिनिश। अब हम अपना ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि बहुत सारा इसने अपनी तरफ से तिकड़म कर दिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी फ्रिक्वेंसीज को एनहेंस कर रही हैं उन्हें रिमूव करना, क्योंकि हमें मास्किंग करनी है और मास्किंग में हमें फ़िलहाल अपने वोकल्स के लिए जगह बनानी है। तो यहाँ से हमने डिलीट कर दिया एक्स्ट्रा ट्रैक्स को। अभी इनको सभी को सिलेक्ट करेंगे, इनका गेन कर देंगे कम। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। अब हम अपना ग्राफ को वापस से 6 या 3 dB पे करेंगे। ठीक है, अब इन सभी को हमें डायनेमिक बना देना है, जो डायनेमिक है उसे डायनेमिक रहने दें। सभी का गेन मैंने कर दिया है 0 और मेक श्योर सभी को ऑटो से हटा कर हमें करना है एक्सटर्नल पे सेट। अब जब भी हमारे वोकल्स आएंगे उनके लिए जगह खाली कर दी जाएगी हमारे गिटार में, और जब जब वोकल्स नहीं आएंगे तब तब हमारे गिटार का पूरा साउंड आएगा। कैसे शामें आएंगी, कैसे रातें गुजरेंगी, ना होश है मुझको अब, कैसे यादें संभलेंगी। मेरे घर की दहलीजों पर तेरी शाख सी छूटी है, मेरे हाथ की लकीरें टूटी टूटी लगती हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी थर्ड टेक्निक मास्किंग की, और इसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इशू आता है तो मैं मिल जाऊंगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं वैसे भी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाता रहता हूं, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करें और उन टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख लें और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। रखो, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट। गाली दे रहा है कोई, गाली गाली क्या बोल रहा है।